हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज विवेक सैनी। स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेनेवा में शोकेस की गई टाटा हैरियर 7 सीटर या टाटा बुजार्ड, जो टाटा उसे बुला रही है, या फिर टाटा H7X जो उसको कोड नेम दिया गया था। देखिए, टाटा बुजार्ड इसका नाम क्यों रखा गया, पहले उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनली टोयोटा ने जो है वो नेम प्लेट लिया हुआ है हैरियर का, एंड दिस इज द रीजन हम इंटरनेशनली उसको इस नेम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, इसलिए टाटा ने उसको इंडिया के लिए तो हैरियर चूज कर लिया, लेकिन इंटरनेशनली उसको बुजार्ड बुलाया। बुजार्ड इंडिया में इसी नाम से आएगी कि नहीं आएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से टाटा बुजार्ड टाटा हैरियर से अलग है, हालांकि सेम प्लेटफॉर्म चूज करती है दोनों, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। तो आप बस बने रहिए इस वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर रहे तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही चटपटी मजेदार ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई दुनिया में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता रहता हूं। और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें जो है वो मिस आउट कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हियर इज द इंस्टाग्राम आईडी। देखिए, पहले मैं सिमिलैरिटीज की बात कर रहा हूँ, क्या क्या सिमिलैरिटी टाटा हैरियर और टाटा बुजार्ड में है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म सेम है, सेम प्लेटफॉर्म पर बनी है, सेम ही यहाँ पर व्हील बेस भी आपको ऑफर करता है, विड्थ हाइट सब चीजें सेम है, लेंथ यहाँ पर जरूर बड़ी है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अंदर के इंटीरियर्स हो, चाहे इंजन शेयरिंग हो, पार्ट शेयरिंग तो हर जगह से है, इनफैक्ट डिजाइन भी यहाँ पर सेम है। जब इतनी सारी चीजें सेम 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 है, तो भैया बदला क्या है टाटा हैरियर 7 सीटर में या टाटा बुजार्ड या टाटा H7X में, ऐसा है क्या जो चेंज हुआ है? तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन में। इंजन आप बोलोगे यार अभी तो सेम बताया, लेकिन उसकी पावर एंड टॉर्क की जो फिगर्स हैं वो जरूर यहां पर चेंज होंगी। 170 bhp के साथ में यह गाड़ी आया करेगी, हालांकि अगर ये चेंजेस नहीं आए और डीट्यून इसको किया गया 140-142 bhp जो हैरियर में डाली हुई है उसके साथ में अगर ये आए, तो बहुत सारा नुकसान यहां झेलने को पड़ सकता है, क्योंकि ये 7 सीटर है एंड 7 सीटर के लिए ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए। और इंजन की बात यहां पर हो रही थी, ये जो 2.0 लीटर का जेट इंजन है वो वही है फिएट सोर्स, जो एमजी की हेक्टर में भी आएगा, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो एसयूवी। और ये जो इंजन है वो 6-speed टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में आएगा, जो ह्यूंडई सोर्स्ड होगा। अभी तक हैरियर जो है वो मैनुअल वेरिएंट के साथ में ही आ रही है, चांसेस हैं कि इसके ऑटोमेशन होने के बाद में उसका भी ऑटोमेशन हो जाए। इंटीरियर्स की तरफ बढ़ लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं इंटीरियर्स में। एक तो कम्प्लीटली थर्ड रो आ गई है, थर्ड रो आने के बाद एक क्वार्टर ग्लास भी आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है, ताकि आपका विंडो एरिया जो थर्ड एरिया थर्ड सीट पे लोग पैसेंजर बैठे हुए हैं उनके लिए बढ़ जाए। यहाँ पर इंटीरियर्स में ऑफर कर रही है अंदर थर्ड रो में ही यूएसबी चार्जर प्लस ऑक्स पोर्ट। ऑक्स पोर्ट ऐसी चीज है जो अभी फिलहाल हम इस सेगमेंट में देखते ही नहीं है, थर्ड रो के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑक्स पोर्ट वहां पर इंट्रोड्यूस करा गया है, यानी कि उसको केबिन को थोड़ा ऐसा बनाया गया है कि हाँ चलो ठीक है वहां पर, ऑल्दो लेग रूम और थाई सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, नागे बराबर ही है, तो उसको थोड़ा सा लिवेबल बनाया गया, थोड़ा सा लगे कि हाँ चलो ठीक है, ये सारी चीजें देने के बाद कहीं ना कहीं इंसान इस तरफ शिफ्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस में सबसे पहले डायमेंशंस की बात करते हैं, लेंथ यहां पर गाड़ी की बड़ी है 62 मिलीमीटर, यानी कि अब इसके डायमेंशंस में लेंथ इसकी हो गई है 4661 मिलीमीटर, 1894 जो कि सेम विड्थ है, एंड 1786 जो कि सेम हाइट है। व्हील बेस रिमेनिंग द सेम 2741 मिलीमीटर के यहाँ पर व्हील बेस ऑफर कर रहा है टाटा दोनों ही गाड़ियों में। एक चीज और, अब अगर आप अपीयरेंस की तरफ बढ़ी रहे तो साइड प्रोफाइल में आपको रूफ रेल्स एड ऑन करती हुई मिलेंगी, जो कि कंप्लीटली स्ट्रांग यूनिट है और उनको इंटीग्रेट किया गया है एक अलग ही एलिमेंट में, जो आपके क्वार्टर पैनल में एड ऑन हो जाता है, तो वो अच्छा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आ रहा है वो। क्वार्टर ग्लास भी यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है, जैसे कि मैंने बताया था, ताकि जो थर्ड रो के लोग हैं वो जो क्वार्टर ग्लास है ना वो काफी लंबा है, मैंने इस सेगमेंट की और 7 सीटर्स में देखे हैं, वो छोटा ही वहां पर क्वार्टर ग्लास दिया जाता है, लेकिन ये जो ग्लास है वो ऑल्दो बटरफ्लाई ग्लास नहीं है, यानी कि आप उसे ओपन नहीं कर सकते, बट आपको व्यू काफी अच्छा दे देगा, एंड रीजन उसका एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो काफी बड़ा है। रियर में इस बार थैंक यू टाटा, थैंक यू, इतनी मस्कुलर गाड़ी बनाने के बावजूद भी रियर के डिस्क ब्रेक्स नहीं आपने ऑफर किए थे, तो थैंक्स टू टाटा की इस गाड़ी में तो आपको रियर के डिस्क ब्रेक्स मिल रहे हैं। साथ ही जब रियर के डिस्क ब्रेक्स की बात हुई है, तो मैं टायर प्रोफाइल्स की भी बात कर लो। यहाँ पर टायर्स आपको जो है कंप्लीटली नए सेट ऑफ टायर्स मिलेंगे, वांडरर के 19 इंचेस के टायर्स इस बार यहाँ पर ऑफर कर रही है टाटा, थैंक यू टाटा। पिछली बार की जो हैरियर के जो टायर्स थे वो मुझे तो प्रोफाइल में छोटे लगते थे, रेडियल 17 इंचेस के थे और काफी
हाई प्रोफाइल के थे, लो प्रोफाइल भी नहीं थे वो, तो काफी हाई प्रोफाइल, चलो ठीक है एसयूवीज में हाई प्रोफाइल चाहिए भी होते हैं। अब ये जो 19 इंचेस के अलॉयज मॉडल कंपनी के साथ में फिटेड आ रहे हैं, सो कंप्लीटली नए सेट ऑफ डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं, ये भी यहाँ पर एड ऑन हो गया। पिछले वाले जो है वो नॉर्मल एलॉय व्हील्स थे, कुछ ज्यादा पसंद मुझे तो नहीं आए थे हैरियर के जो एलॉय व्हील्स थे, बट ये वाले जो है डायमंड कट जरूर इंट्रोड्यूस करा गया है। एक चीज और मैं यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो टाटा हैरियर वहां पर शो की गई है जिनेवा मोटर शो में, उसमें डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, ऑफर किए गए हैं। चांसेस है कि ये जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स हैं वो इंडिया में भी आ जाए और ज्यादा बड़ी प्रोफाइल के साथ में आ जाए। रियर प्रोफाइल में भी आपको बहुत सारी चेंजेस मिलेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट जो है वो टेल लैंप पर बदलाव किए गए हैं, जैसे कि ब्लैक एंड कर दिया गया है। नीचे की तरफ आपको बुजार्ड की ब्रांडिंग मिलेगी, नीचे ही एक डेप्थ कैरेक्टर लाइन आपको देखने को मिलेगा। स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर कलर के ट्रीटमेंट के साथ में आएंगे, वो चेंज्ड है, टाटा हैरियर जैसी नहीं है। फ्रंट की बात कर लेते हैं, फ्रंट की अपीयरेंस में भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, एक नजर में तो ये आपको टाटा हैरियर ही दिखाई देगी, लेकिन अगर आप हल्के से नजर आप इधर उधर दौड़ाओगे तो बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस दिखाई देंगे, जैसे कि हेडलैम्प यूनिट पे क्रोम ट्रीटमेंट दी गई है, बाइसेक्शन जो किया गया है हेडलैम्प का और फॉगलैम्प का वो क्रोम के साथ में किया गया है, जो अच्छा लग रहा है। एंड जो इसका ग्रिल है उसमें भी इंटीग्रेट किए गए हैं क्रोम, छोटे छोटे यूनिट जो है क्रोम के डाले गए हैं, जबकि टाटा हैरियर में कंप्लीटली हनीकॉम स्ट्रक्चर आता है, लेकिन वो पियानो टच जैसा लगता है, वो यहाँ पर पियानो टच नहीं है, वो थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ में अंदर जो है ग्रिल जो है वो आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ में टाटा H7X यानी के बाजार में ऑफर की गई है। बस ये तो थे कुछ चेंजेस, और बाकी चेंजेस जैसे जैसे आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर कुछ भी मैच से मिस हो, आउट हो गया, या फिर वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना यार। एंड यस, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, हियर इज द इंस्टाग्राम आईडी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, अनटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।